हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली हिंदू महिला के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहचान छिपाकर महिला से जान पहचान की और उसके बाद जबरदस्ती उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दरअसल पीड़िता स्कीम नंबर 136 में रहती है। उसका पति से वर्ष 2015 से विवाद चल रहा है, जिसके चलते वह 11 साल के बेटे के साथ अलग रह रही थी। इसी दौरान वह एक रेस्टोरेंट में काम करने लगी। वर्ष 2017 में उसी रेस्टोरेंट में मूलतः बिहार का रहने वाला मोहम्मद नबील उर्फ अंसार पिता रुबेल शेफ बनकर आया। उसने पीड़िता को अपना नाम नवीन बताया। होटल कर्मचारी होने के नाते दोनों के बीच दोस्ती हो गई। नबील ने भी पीड़िता के घर के समीप किराए पर कमरा ले लिया और एक दिन रात में जबरदस्ती उसके घर में घुस गया और रेप किया। उसने ब्लैकमेल कर कई बार पीड़िता का शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने पीड़िता पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया। जब उसने मना किया तो आरोपी ने उसके बेटे को जान से खत्म करने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले में हिंदूवादी नेता तनु शर्मा से संपर्क किया। इसके बाद नबील उर्फ नवीन उर्फ अंसार के खिलाफ रेप, धोखा देने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में केस दर्ज किया गया। मामले में पीड़िता का बयान भी सामने आया है। कहीं से मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिला, मैंने उनसे बात की, उनने मेरी काफ़ी हेल्प की है और उन्हीं के जरिए आज मैंने पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर दी है उस बंदे के खिलाफ। इसलिए मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ और मैं तो जहाँ तक हो सकता है भले ही मेरी पूरी लाइफ निकल जाए पर उस बंदे को सजा दिलवा के मार। मामले में बजरंग दल के विभाग संयोजक तनु शर्मा ने क्या कहा, उन्हीं से जानते हैं। जिस पर हमने थाना हीरानगर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ धर्मांतरण और 376 जैसी अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है और अभी आरोपी फरार है, महाराष्ट्र की ओर भागा हुआ है। और बजरंग दल ये मध्य प्रदेश में अभी इंदौर में लव जिहाद पर सख्त है और ऐसे लव जिहादियों पर कड़ा शिकंजा बनाया हुआ है जो हमारी हिंदू बहन को, भोली भाली बहनों को अपना नाम अपना धर्म छुपाकर उनसे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करके उनका शारीरिक शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करने के बाद उनको 36 टुकड़े 35 टुकड़े करने की धमकी देते हैं बजरंग दल इनके किसी। आइए अब पुलिस क्या कह रही है यह भी जान लेते हैं। ये वर्ष 2020 से 136 स्कीम नंबर में एक महिला राय से रहती है। उनका कहना है कि 2017 से वह एक बिहार के कटिहार जिले के चादापड़ गांव के जो नबील पिता रुबेल है उससे उसकी परिचय था, दोनों कैफे पे काम भी करते थे। उसके बाद वो घर आता जाता रहा था, दोनों से उसने शादी का बोल के कि मैं आपसे शादी कर लूँगा ऐसे करके दोनों के बीच संबंध रहा है। पीड़िता का एक बच्चा है, पूर्व में तलाकशुदा है तो उसने पुराने पति को तलाक भी दे दिया था और इन दोनों की शादी होने का था, लेकिन अभी वर्तमान में 2022 से वो मुंबई काम करने चला गया है। जब भी पीड़िता उससे संपर्क करती है तो बोलता है मैं तुम्हें अब शादी नहीं कर रहा और उसके बाद बोल रहा है कि अब एक ही कंडीशन पर शादी करूँगा जब तुम हमारा धर्म अपनाओगे। इसी बात पर दोनों उस आरोपी के विरुद्ध 376 और धर्मांतरण के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है।